भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश के राज्य मध्य प्रदेश में धार जिले के कृषि विस्तार वैज्ञानिक ने इस जिले के आदिवासी कृषकों के जीवन में सुख की नई रेखाएं खींच दी हैं। किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर केंद्र सरकार के लक्ष्य की दिशा में यह बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुमंजिला खेती करना सिखाया, महुआ को खराब होने से बचाकर बेचने में मुनाफा कमाने का गुण बताया और नर्सरी का प्रबंधन सिखाकर कमाई का नया जरिया दिया। बता दें, इस कृषि वैज्ञानिक जीएस गोठिये को हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने पुरस्कृत किया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार डॉक्टर गोठिये को पिछले 5 वर्षों में खेती के विविधीकरण की संकल्पना तैयार करने, विकास करने और उसे आधुनिक तकनीक के जरिए किसानों तक पहुँचाने के लिए श्रेष्ठ वैज्ञानिक अवार्ड के लिए चुना गया। डॉक्टर गोठिये ने स्वदेश को दूरभाष पर बताया कि उन्होंने 1,25,000 किसानों को मोबाइल से जोड़ा और कृषि संबंधित जानकारियां उन तक नियमित पहुंचाने का कार्य किया है। इसके अलावा खाद, उर्वरक और कीटनाशक बेचने वाले डीलरों को खेती के उपचार के बारे में प्रशिक्षित करने का कार्य भी शुरू किया है, ताकि वे किसानों को इनके समुचित उपयोग के बारे में समझा सकें। यह स्वास्थ्य विभाग के झोला छाप डॉक्टर वाले प्रयोग की तरह है। उन्होंने मुर्गे की उच्च मूल्य वाली कड़कनाथ नस्ल और बकरी पालन में भी आदिवासी किसानों को प्रशिक्षित कर उनकी आय बढ़ाने में मदद की है। बता दें, धार जिले में 56% आदिवासी आबादी है। यहाँ के लोग रोजगार के उचित अवसर नहीं होने से प्रायः पलायन करते थे। डॉक्टर गोठिये बताते हैं कि कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से आय के अलावा पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीएस गाठिये फसल वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र धार में पदस्थ हूँ। मुझे विगत 21 अगस्त 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री जी द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के 11वीं जो राष्ट्रीय बीज अधिवेशन था उसमें बेस्ट कृषि विस्तार वैज्ञानिक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और मैंने जो धार जिले में जो हमारे कृषक भाई है उनके जो उत्पादन को बढ़ोतरी करने के लिए और आय को दुगुना करने के लिए छोटे छोटे कृषि मॉडल जैसे एकीकृत कृषि प्रणाली, नवीन किस्मों का प्रचार प्रसार, साथ ही साथ जैविक खेती का प्रसार और बहुमंजिला खेती पर उल्लेखनीय कार्य करने हेतु मुझे ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारे ज़िले के कृषक भाई हैं उनको किसान मोबाइल एडवाइजरी के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनको त्वरित गति से संदेश प्रसारित किए गए हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में मुझे ये अवार्ड वहां पर मिला है। धन्यवाद। धार झाबुआ में महुआ बड़ी तादाद में होता है, जिसका बड़ा भाग जमीन पर गिरने से खराब हो जाता है। इस नुकसान को कम करने के लिए पेड़ के नीचे ग्रीन नेट बिछाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई और आवक ज्यादा होने से उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसान को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रोबैग देकर सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित किया गया। बता दें, यह कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किया गया। इस तरह बहुमंजिला खेती में कम जमीन में अधिक उत्पादन लेने की व्यवस्था की जाती है। पौधों की प्रकृति और कद के अनुसार एक जगह कई किस्म के पौधों को लगाया जाता है।